देशभर में बढ़ते कोरोना ने अब बाड़मेर में भी दस्तक दे दी है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक और बाड़मेर शहरी क्षेत्र के एक कोरोना मरीज सामने आया है। चिकित्सा विभाग ने दोनों कोरोना मरीजों को भर्ती कर इलाज शुरू किया। वहीं चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा इन दोनों मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेकर जाँच की जा रही है। बाड़मेर जिले में 5 माह बाद एक बार फिर से कोरोना की एंट्री हो गई है। मेडिकल कॉलेज की RT-PCR लैब से गुरुवार को 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज बाड़मेर शहर का है। इस माह में 387 संदिग्धों की RT-PCR और 94 के रैपिड एंटीजन टेस्ट लगाए गए। गुरुवार को 46 संदिग्धों के तौर कोरोना जांच सैंपल लिए हैं। इसकी रिपोर्ट जल्द आएगी। CMHO डॉक्टर चंद्रशेखर गजराज के मुताबिक जिले में 44 RT-PCR सैंपल की रिपोर्ट मिली है। इसमें 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन 2 पॉजिटिव केस में एक 23 साल का युवक शहर के राय कॉलोनी इलाके तथा दूसरा 70 वर्षीय बुजुर्ग परालिया गांव का है। अप्रैल माह में प्रदेश में कोरोना के केस सामने आने के बाद RT-PCR सैंपलिंग बढ़ाई गई है। इसी माह के 20 दिनों में 387 संदिग्धों के RT-PCR और 94 के रैपिड एंटीजन टेस्ट लगाए गए। वहीं गुरुवार को 46 और RT-PCR सैंपल लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट आनी शेष है। जिले में 175 दिन बाद कोविड केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया। अंतिम बार 5 नवंबर को एक कोरोना पॉजिटिव केस आया था। अब तक मिले में सबसे अधिक केस मई 2021 में 10,706 सामने आए थे। जिले में कोरोना का पहला केस 8 अप्रैल 2020 को सामने आया था। में सैंपल लिए जा रहे हैं बाड़मेर जिला अस्पताल में। कल 2 कोविड पॉजिटिव आए हैं, एक बाड़मेर प्रॉपर का, एक ग्रामीण क्षेत्र का है। एक मरीज भर्ती है इसमें और उनसे संपर्क वालों के सबके सैंपल लिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन बनाकर आज से कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह के सिम्टम्स हैं इनमें? क्या सिम्टम्स? वही बुखार है, खांसी, यही सिम्टम्स हैं जो पहले थे। तो सर, कोरोना के मामले आ रहे हैं, आमजन को किस तरह से? आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, देश भर में बढ़ते कोरोना ने अब बाड़मेर में भी दस्तक दे दी है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक व बाड़मेर शहरी क्षेत्र से एक कोरोना मरीज सामने आया है। चिकित्सा विभाग ने दोनों कोरोना मरीजों को भर्ती कर इलाज शुरू किया। नई चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा इन दोनों मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेकर जाँच की जा रही है।